All right, assalamu alaikum and good late evening everyone. शहर इस्लामाबाद रावलपिंडी के अलावा इस वक्त जहां 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 तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां वहां पर मौजूद तमाम सुनने वालों की समातों तक सलाम के बाद मोहब्बतें खुलूस और सबसे बढ़कर अमन का पैगाम पहुंचे। उम्मीद उस रब उस खालिक कायनात उस मालिक उस राजिक और उस दाता से कि आप सुनने वाले खैरियत से आपके मिजाज अच्छे और मूड्स एकदम आला होंगे। हर बुध और जुमेरात को 8 से 10 आप सुनने वालों के साथ शहर इस्लामाबाद से बिल्कुल बराह रास्त मुलाकात हुआ करती है। रिजवान फारूक और रिजवान बशीर आज के प्रोग्राम के लिए मुझे मौनत फराहम करेंगे और आप सुनने वालों का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने ITP 92.4 FM इस्लामाबाद को ट्यून किया। मेरे सामने एक बहुत बड़े पर्दे वाला टेलीविजन सेट लगा हुआ है जिसके ऊपर क्रिकेट मैच चल रहा है, तो क्रिकेट के बारे में मैं आपको आज थोड़ी बहुत कमेंट्री पेश करूंगा। ग्राउंड के अंदर मुझे दोनों तरफ से खेलते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और ये बॉल जो है इसका रंग है वाइट और दो बल्ले पकड़े हुए जी दोनों साइडों से और लड़कों ने टोपियां शोपियां पहनी है। बड़ा अच्छा मैच चल रहा है जी। इस तरह की सूरत हाल से हम लोग आपको आगाह करते रहेंगे। आई होप थिंग्स आर सो वेरी मच फाइन एंड अंटिल नाउ एवरीथिंग वॉज वेरी मच इन योर फेवर। तो मैं बुध और जुमेरात को 8 से 10 आता हूं, सही है। हम आपके सफर में आपके साथ चलेंगे क्योंकि हम आपका भला सोचते हैं। रफ्तार को इतना रखें कि ये मशीनें आपसे संभल सकें और चेहरों पे एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजा के अपने सफर को जारी रखिएगा ताकि ये सफर आपके लिए उर्दू का सफर साबित हो ना कि अंग्रेजी का सफर, यानी कि SUFFER। तो मेरे सामने जो स्क्रीन है उस चलें जी कमर्शियल आ गया, तेरी खैर ओए कमर्शियल आ गया कमर्शियल, और ये वही वाला कमर्शियल चल रहा है। मतलब मैं अब इसको मजीद खुल के बयान नहीं कर सकता क्योंकि ये ब्रॉडकास्टिंग एथिक्स के खिलाफ होगा कि मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूं। यूजुअली कमर्शियल चैनल्स के ऊपर ऑन पेमेंट ब्रांड्स को प्रमोट किया जाता है, लेकिन वी आर नॉट अ कमर्शियल चैनल सो इस वजह से। लेकिन खैर ये वो वॉशिंग पाउडर वाला एक कमर्शियल आया जिसमें एक बहुत बड़े से कपड़े के ऊपर एक बहुत बड़ी बस चला देते हैं, सो समथिंग लाइक दैट। सो अपने मूड्स को बहुत ज्यादा अच्छा रखिएगा। आज की तारीख क्या है मैंने यहां पे अभी स्टेटस डाला हुआ है। थोड़ा स्टेटस डालने में मुझे आज दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आई डोंट नो समथिंग वाज रॉन्ग विद दिस फेसबुक एप्लीकेशन। एनीवे सो हमारा ऑफिशियल फैन पेज है, वहां पे आपको मेरे प्रोग्राम के मुतालिक स्टेटस अभी नजर आ जाएगा। मैं करीबन कोई 8:30, 40, 45 जब मेरा मूड हो जाए एंड जब मैं ये मेक श्योर कर लूं कि लाइन आज ठीक है तो तब मैं आप लोगों की लाइव कॉल्स लेना शुरू कर दूंगा। राइट हमारे साथ रबते का नंबर 051-9263-184। अगर आप अपने दोबारा से अच्छा जी चले 051-9263-184 ये हमारे साथ रबते का नंबर है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड करते हैं 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं और वहां पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है
And therein you guys can find a post regarding my show, which is stating my nickname, along with this 26th day of June 2019. 8 to 10 is the time slot and Wednesday is the day. जिंदगी में हम बहुत सारे काम सिर्फ इस वजह से नहीं करते कि हमें लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है. अब हमें लगता है कि शायद इस काम को करने के लिए जो मौजूद वक्त था वो शायद आज से 4, 5, 6 या 7 साल पहले का एक दौर था जिससे मैं गुजर के अब यहाँ तक पहुँच चुका हूँ. सो अब मेरे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला. सो दिस इज सच अ रॉन्ग परसेप्शन. यू नो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. दुनिया में हम बहुत सारे लोग हम उनको देख सकते हैं, हमें उनकी मिसालें मिल सकती हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने बहुत लेट स्टार्ट करने के बावजूद बहुत कम वक्त में बहुत कुछ बड़ा अचीव करके दिखा दिया. सो वो जिस तरह हम ड्राइविंग के हवाले से बोलते हैं, इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर, राइट. सो अगर हम इसका वो दूसरा एस्पेक्ट जानने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें, सो दैट एक्सप्लेन्स कि इट्स नेवर लेट. कभी भी लेट नहीं है. यू जस्ट मेक योर प्लान्स, राइट. यू जस्ट फासन योर सीट बेल्ट, राइट. बट आई लव टू से इट दिस वे, फास्टन, राइट. सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड बी फोकस्ड. आप कोशिश करेंगे भाई, आपका अंदर का जो यू नो एक मोटिवेटिंग इंसान है, आपके अंदर की जो अपनी मोटिवेशन है, यू नो दैट कीप्स यू गोइंग गोइंग एंड गोइंग अप इन योर लाइफ, देन इट्स नेवर लेट. एवरी टाइम इज योर टाइम. लेकिन बस मैंने कहा ना कि वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो एक इरादा होना चाहिए, वो एक ख्वाहिश होनी चाहिए. अगर ऐसा सब कुछ है सो यकीन कीजिएगा इट्स नेवर लेट. अगर आप बहुत कुछ करने में महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से पीछे रह गए हैं, सो कोई बात नहीं है. कम से कम आपने अभी तो रियलाइज किया ना. अगर रियलाइज कर लिया है, जस्ट गो फॉर इट, ट्राई इट एंड देन सी दिस वर्ल्ड इज ऑल योर्स. तो कुदरत का बहुत बड़ा फैन होने के नाते मैं अक्सर गिले कर रहा होता हूँ ना कि हम बहुत ज़्यादा कुदरत से दूर हो गए हैं. पहले हम कुदरती थे, अब हम कुदरती नहीं हैं. वी आर नो मोर नेचुरल, क्योंकि जो कुदरत के साथ हमारा एक ताल्लुक था वो शायद हमने तोड़ दिया है या छोड़ दिया है. और कुदरत से मुराद सिर्फ ये लैंडस्केप्स नहीं हैं, ये सीनरीज नहीं हैं, ये वादियां नहीं हैं, बल्कि कुदरत में मेरे हिसाब से और बहुत सारी चीजें आती हैं. वो तमाम एस्पेक्ट्स, जिंदगी के वो तमाम शोबे जहां पे हर चीज को सिर्फ नफा और नुकसान में नहीं तोला जाता, जहां पे हर चीज को सिर्फ फायदे और नुकसान बड़ा होने या छोटे होने की, या शायद अमीर होने या गरीब होने की, या शायद गोरा या काला होने की वजह से वो चीज हमारे लिए यू नो परफेक्ट नहीं कहलाती. या मैं शायद अगर इसको थोड़ा मजीद सिंपल कर दूं तो जो यू नो जो फैक्टर्स हैं, जो वजूहात हैं जिनको बेस बना के हम चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, चीज़ों को अपने लिए सूटेबल समझते हैं या अपने लिए गैर मौजू समझते हैं, तो वो फैक्टर्स हमने इतने ज़्यादा नेचुरल बना दिए हैं, वो हमने अपने लिए इतने ज़्यादा यू नो शायद यू नो मादा परस्ती पे बुनियाद रख के या मादा परस्ती की बेस पे हमने अपने लिए यू नो चीज़ें चूज करना शुरू कर दी हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमने इस शख्स से मिलना है, उस शख्स से नहीं मिलना, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया शायद गलत है. सो जो क्राइटेरिया हमने सेट करना है, मैंने कहा उसमें हमने बहुत सारे नेचुरल एस्पेक्ट्स को भी जहन में रखना है. And which is not or which are not always monetary. वो non-monetary terms में भी हो सकते हैं, जिनमें मोहब्बत की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिनमें शायद ख्याल रखना, जिनमें शायद दूसरों के लिए एहसास रखना, यू नो हमारी जिंदगी में होने वाले तमाम मामलात, तमाम वाकयात, हम
मैं जिस तरह शायद गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अगर हम उनके ऊपर ऊपर से गुजर के ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, सो मुझे लगता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मादे पे या मादा परस्ती पे या मादा परस्ती के मुताबिक बना दिया है. राइट, सो लाइफ इज बियॉन्ड दिस डेफिनेशन दैट वी हैव मेड फॉर आवर सेल्व्स. दैट इज द रीज़न कि मैं कहता हूँ कि भाई अब हम कुदरती नहीं रहे. राइट, सो अगर आपको भी लगा कि भाई आपने इतना अरसा कुदरत से अपने आप को दूर रखा, लेकिन नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि भाई दिस इज द टाइम टू गो बैक टू योर ओरिजिन, टू गो बैक टू योर बेसिक्स. जहां से निकल के आप यहां तक आए हैं, गो एंड टच दोज बेसिक्स जहां से आपने आगाज किया था, जहां पे रहते हुए या जहां जिस नुक्ते पे आप सही मानों में इंसान थे, अच्छे वाले इंसान, मोहब्बत वाले इंसान. सो गो बैक टू योर लॉन्चिंग पैड्स. राइट, एक बहुत भारी भरकम आगाज हमेशा मेरे प्रोग्राम का होता है, क्या करूं जब हमें अपनी जिंदगी में, अपनी बुनियादी तौर पे अपनी जिंदगी में, जाती तौर पे अपनी जिंदगी में हमें कोई नहीं सुनता. सो हमें रेडियो का दरवाजा खुला हुआ नजर आता है. राइट, सो वी फाइंड अ वे एंड वी सिंपली रश टुवर्ड्स रेडियो, क्योंकि एटलीस्ट ये वो जगह है जहां पे लोग हमें सुनते जरूर हैं. अगर आप हमारे कवरेज एरिया से बाहर मुकीम हैं, तो हमारी वेबसाइट आपके साथ रहती है, जिसका मुकम्मल पता www.itpfm.pk. इसके जरिए से आप हमें बिल्कुल बराह रास्त समाज फरमा सकते हैं. आज क्या हम आपसे पूछ सकते हैं या क्या पूछना चाहते हैं? Alright, let's make it something very much simple. अक्सर दोस्तों में ये होता है ना, हम वो चिपिन सिस्टम करते हैं, वो जिसे हम अक्सर देसी अंदाज में कहते हैं अमेरिकन सिस्टम. राइट, you chip in yourself for the food that you want to eat, for the drink that you want to have. आप अपनी जेब में से पैसे निकाल के उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और इज्तिमाई तौर पे आप कोई चीज मंगवा के फिर उसको खाते हैं. और सिंपल कैलकुलेटर निकाल के, हाँ भाई पांच बंदे एक पिज्जा और इतने आ गए भाई, पर हेड 700 रुपए आ रहे हैं. राइट, सो उस तरह का कोई रील फंस गई है, उस तरह का कोई सिस्टम हम चलाना चाह रहे हैं. जस्ट इमेजिन कि आज टुनाइट ऑन दिस शो हमने एहतमाम किया है, या शायद हम एहतमाम करने लगे हैं वन डिश पार्टी. दैट्स अ वन डिश डिनर, दैट्स अ वन डिश पार्टी कम डिनर कम गैदरिंग कम खाना, बड़ा खाना कम एनीथिंग. राइट, सो हम एहतमाम कर रहे हैं वन डिश पार्टी का, और उसमें आप सब लोगों ने, मतलब मैं ख्याली एक डिनर की या एक पार्टी की बात कर रहा हूं, दिस इज नॉट going to happen in real, right? It's not real at all. This is just imaginative, right? So, aap logon ne usme kaun si ek dish contribute karni hai, apne saath aap kaun si dish khane ki kya cheez leke aayenge, right? It's a one dish party, it's a one dish dinner, jahan pe har bande ne apni taraf se ek ek cheez leke aani hai. Behtar to yahi hoga ki aapke ghar mein jo cheez paki hai, या आपको लगता है कि आपके घर की वो वाली चीज अच्छी है, सो उस चीज का आपने नाम लेना कि हाँ भाई मैं आ गया हूं और मैं अपने इस डोंगे में, इस हॉट पॉट में, इस बर्तन में कलेजी लेके आया हूं. राइट, दो आई एम नॉट अ मीट लविंग गाय, बट स्टिल कलेजी यू नो केम टू द बैक ऑफ माई माइंड, सो दैट्स व्हाई. ऑलराइट, इसके अलावा मैं बैंगन लेके आया हूं, मैं बैंगन का भुर्ता लेके आया हूं, मैं चने लेके आया हूं, मैं चने की दाल लेके आया हूं, मैं लोबिया लेके आया हूं, मैं पाए लेके आया हूं, गर्मी में पाए. ऑलराइट, सो इट्स अ वन डिश पार्टी जिसमें आप सब ने एक डिश के साथ आना है. मैंने कहा दिस इज बेस्ड ऑन प्योर इमेजिनेशन, इट्स नॉट रियल एट ऑल. सो वो कौन सी डिश होगी जिसके साथ आज आप इस दस्तरखान पे हमारे साथ बैठेंगे, ख्याली दस्तरखान. राइट, सो एनीथिंग दैट यू बिलीव योर हाउस स्पेशलाइजेज इन, नेम दैट फूड. और जिस तरह से मैंने कहा बैटर इट विल बी कि जो आपके घर में आज खाना बना हुआ है, यू जस्ट नेम दैट थिंग. राइट, दैट कुड बी सो वेरी मच सिंपल. सो लेट्स मेक इट हैपन. आप लोग अगर कॉल्स करना चाह रहे हैं तो 051-9263-184 ये हमारे साथ रابطے का नंबर है. अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाह रहे हैं तो राइट मैसेज का ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे.
अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो आ जाए ना facebook.com/ITPFM। All right, playing this song after such a long time, you know, मेरे सामने आया, it just occurred, it just, you know, came in front of me and I played it. So I hope it sounds good. In the beginning of my show, this song is being followed by another one. और उसको मैं इस song के दरमियान में ही कहीं पे choose कर लेता हूँ और आपके लिए cue sheet में डाल देता हूँ, right? So आज आप imagine करें, just तसव्वुर करें, ख्याली तौर पे हमने एहतमाम किया हुआ है एक, यू नो, वन डिश पार्टी का। हम एक इशाइया जो है वो तरतीब दे रहे हैं, राइट, उसका हमने आपके लिए अरेंजमेंट की है। सो उसमें आप में से हर बंदे ने एक डिश, खाने की कोई चीज़, कोई सालन, कुछ भी अपने साथ लेके आना है और बताना है कि आप क्या लेके आए हैं इस दस्तरखान पे रखने के लिए, सो वी कैन ईट you know all that food together. So मेरी तरफ से क्या होगा? Alright, ये दस्तरखान सामने बिछा हुआ है मेरी तरफ से, तो सबसे पहले बर्तन, क्योंकि बर्तन खाने की वाहिद ऐसी चीजें हैं, या प्लेटें या बर्तन, के जो हम लाते तो खाने के लिए हैं लेकिन हम उनको खा नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो चीज़ खाई ना जा सके और वो मजीद इस्तेमाल होती रहे, राइट? सो सबसे पहले तो प्लेट्स हैं, कटोरे हैं, कटोरे लाइक मेक्स इट अ बिट टिपिकल, बट स्टिल अगर आप लस्सी वगैरह डाल के, कटोरों में डाल के अगर आप पियेंगे तो उसका एक अलग ही मजा आता है, राइट? सो मेरी तरफ से तो बर्तन हैं, ये 3 अदद जग हैं, लेकिन मैंने अपने से बहुत दूर रखे हैं क्योंकि खाने के वक्त में अगर जग, शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अगर आपके बिल्कुल करीब हों तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है सबको ग्लास भर भर के पिलाना। सो बाकी सारे लोग खाना चट कर जाते हैं एंड यू लेफ्ट विद नथिंग, जस्ट एम्प्टी प्लेट्स। सो दैट इज द रीजन मैंने सारे जग्स इधर उधर रख दिए हैं। और मेरी तरफ से क्या है, मेरी तरफ से क्या है, मेरे घर में क्या ऐसा बहुत अच्छा बनता है देन आई कैन इंक्लूड? ऑलराइट, मेरे घर में सबसे अच्छा क्या बनता है? ऑलराइट, हमारे घर में सबसे अच्छा बनता है तवे वाली रोटियां। तवे वाली रोटियां हमारे घर में बनती नहीं है, बहुत कम बनती हैं, शायद यू नो साल बाद, डेढ़ साल बाद। वैसे तो अम्मा जी वो एक बड़ा सा ना, वो एक रुमाल सा, एक कपड़ा सा पकड़ा देती हैं, जी जाओ बेटा तंदूर से इतनी रोटियां पकड़ के ले आओ, राइट? सो जिस दिन हमारे घर में तवे वाली रोटी बन जाए, सो दैट्स लाइक अ डे फुल ऑफ हैप्पीनेस, राइट? सो मेरी तरफ से मैं दे रहा हूँ बहुत सारी रोटियां, राइट? मेरे घर से मैंने इस दस्तरखान के ऊपर सजा दी हैं रोटियां एक गिलाफ में बंद करके, ताकि वो गर्म रहें, ताकि वो ड्राई ना हो, सख्त ना हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। नाउ आपने इस दस्तरखान पे क्या डिश रखनी है ताकि हम ये ख्याली तौर पे जो ये इशाइया करने लगे हैं, ये डिनर करने लगे हैं, ताकि वो सारी चीज़ें एक साथ बड़ी हों एंड वी कैन ईट देम टुगेदर। दैट्स इट। 8:29 टाइम चेक, प्रोग्राम का नाम फन हाईवे एंड दिस इज हनी ब्रॉडकास्टिंग लाइव।
मच, थैंक यू सो मच कि आप सुनने वाले हमारे साथ हैं। दिस इज हानी, मैं बुध और जुमेरात को 8 से 10 आप सुनने वालों का साथ देने के लिए मौजूद रहता हूं। थोड़ा सा लंबा यानी कि तवील किस्म का सॉन्ग चलाने का फायदा ये होता है कि इट गिव्स मी क्वाइट सम टाइम टू मेक माय थॉट क्लियर, राइट। सो अभी मैं आप लोगों की लाइव कॉल्स ले रहा हूं। जीरो 51 92 63 184, ये हमारे साथ रबते का नंबर है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं और वहां पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM, ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है, राइट। सो आज हम बात कर रहे हैं एक इमेजिनेटिव डिनर की, जिसमें आप सब में या आप सब ने एक एक डिश के साथ आना है और मैंने गले को इस तरह से बचाना है, राइट। सो इट्स अ वन डिश पार्टी जिसमें आप में से हर बंदा एक एक डिश लेके हाजिर होगा जो कि हम इस दस्तरखान के ऊपर सजा के फिर एक साथ खाएंगे। Live calls 0519263184, ये हमारे साथ रामते का नंबर है, लाइन को चेक करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जैनी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जैनी, आज हमने वन डिश पार्टी, वन डिश इशाइये का एहतमाम किया हुआ है, तो आप अपने साथ क्या डिश लेके आना चाह रही हैं? रिजवान बशीर प्लीज लाइन चेक कर लें यार। बिरयानी, घर में बिरयानी बनी हुई है? बिरयानी। अच्छा, आपके घर में जो बिरयानी बनती है आपको लगता है वो अच्छी बिरयानी है? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं ले? रायता, सलाद, चटनी वगैरह कुछ भी नहीं है? तो है, साथ ही है। अच्छा, दही है? दही खुला? खुला भी है, दूसरा भी है। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पे बड़े बड़े गबरू किस्म के जवान भी आएंगे तो वो लस्सी की फरमाइश करेंगे, तो मैंने कहा कि अगर दही मिल जाए तो उससे अच्छी लस्सी बन जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी सब ठीक चल रहा है? चलें सही है जैनी, मुझे अच्छा लगा। प्लीज दोबारा से बताएं। हाँ चलें जैनी, वैसे मैं इतना कोई नामी गरामी किस्म का ब्रॉडकास्टर नहीं हूँ जिसके प्रोग्राम्स में कॉल्स आसानी से नहीं मिलती, बहुत आसानी से मिल जाती हैं। हाँ सही है, सलामत रहें। अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, सलामत रहे आप, ठीक है। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। जैनी हमारे साथ शामिल रही। अच्छा, आई एम सो वेरी मच इम्प्रेस्ड विद यू नो थिंग्स दैट आर बीइंग डन बाय रिजवान बशीर एंड रिजवान फारूक। लाइक यू नो, अक्सर वो वैसे भी रेडियो प्रोग्राम सुनना जो हमारी ट्रांसमिशन चल रही होती है वो ऑफकोर्स एक तरह से ड्यूटी में भी आता है, लेकिन वो हमेशा मुझसे ये बात हमेशा छुपाते हैं कि वो मेरा प्रोग्राम छुप छुप के सुनते हैं। जब भी मैं जाता हूँ ना फौरन से बंद कर दे, मुझे इस तरह मुझे मतलब फील आ रही है, कोई वो इस तरह की कोई ख्याली किस्म की फील आ रही है कि ये लोग मुझे सुनते हैं, लेकिन जब मैं पूछता हूं तो कहते हैं भाई आपको कौन सुनता है।
चले यानी वे जितने सारे लोग भी सुनते हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बुध और जुमेरात को 8 से 10 यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए मैं मौजूद रहता हूँ 8 से 10 बजे तक। और रिजवान बशीर ने एक राजस्थानी इशारे एक बहुत अच्छे चेहरे के तासुरात के साथ मोहब्बत का इजहार किया और मेरी बातों को पसंद या उनकी पसंदीदगी का इजहार किया। रिजवान बशीर थैंक यू, आई लव द वे यू लव अस। अच्छा मेरे सामने टीवी स्क्रीन के ऊपर अभी एक कमर्शियल आया था, चले वो टीवी स्क्रीन लगा हुआ तो कुछ चीजें आई विल पिक फ्रॉम देयर एज़ वेल। सो यू नो एक ड्रामा लगा था एक दफा, वो सिंगल एपिसोड का एक ड्रामा था। सो उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखने वाले लोग बहुत लिमिटेड से ख्वाब देखते हैं। सो इन दैट ड्रामा इट वॉज शोन के एक फैमिली होती है तो वो किसी तरह से अपने पैसे जमा करते रहते हैं तो वो सारी जमा पूंजी जो है तो वो उससे एक प्लॉट ले लेते हैं। राइट नाउ आफ्टर दैट लाइक दे स्टार्ट ड्रीमिंग टू हैव अ कंस्ट्रक्टेड हाउस ओवर दैट प्लॉट। राइट सो अब सिलसिला चलता है हर तरफ कमेटियां ही कमेटियां, यहां पे कमेटी डली हुई है, वहां पे कमेटी डली हुई है, हर तरफ कमेटियां और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि भाई सारी कमेटियां निकल आएंगी एंड अ टाइम विल कम कि जब हम अपने उस घर की तामीर उस प्लॉट के ऊपर शुरू कर देंगे। राइट सो कुछ ऐसे ही हुआ, इट टुक देम सम टाइम, लेकिन फिर उनके पास इतने पैसे आ गए कि उन्होंने एक घर की तामीर शुरू कर दी। लेकिन ड्रामे में ड्रामा तब शुरू हुआ कि जब उन्हें इत्तला मिली कि भाई आपने जिस प्लॉट के ऊपर घर बनाया था तो वो प्लॉट इल्लीगल था, वो परचेजिंग सारी इल्लीगल थी, आपकी तामीर जो थी तामीराती काम इल्लीगल था तो उस घर को गिरा दिया गया था। सो समटाइम्स इन लाइफ व्हाट आई इमेजिन इज कि आप बहुत ज्यादा अंथक मेहनत कर लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर लेते हैं जो कि शायद आपको लगता था कि आपके बस में नहीं है, मतलब समथिंग बियॉन्ड योर कैपेसिटीज। राइट सो यू हैव डन देम, लेकिन इन द एंड व्हाट हैपेंस इज कि एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू। सो बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है, बहुत सारे लोगों के साथ रियल में भी ऐसा यकीनन हुआ होगा। मतलब ये तो वैसे ही मैंने एक एग्जाम्पल दे दी, लेकिन उस वक्त में जो एक अजीब तरह की फीलिंग्स होती है ना, जैसे सब कुछ छिन गया हो, जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। सो ऐसी या इस तरह की सिचुएशंस के लिए भी इंसान को तैयार रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को उस एक ख्याली मंजर में रखना कि जिसमें सब आपके फेवर में चल रहा हूं, सब आपकी मर्जी के मुताबिक चल रहा हूं, और अपने आप को शायद शदीद के लिए तैयार ना रखना, आजमाइशों के लिए तैयार ना रखना, मेरे ख्याल से ये गलत तरीका है। यू शुड मेक योर सेल्फ रेडी फॉर एवरीथिंग। सो इफ यू आर रेडी फॉर ऑल द बैड्स दैट यू एक्सपेक्ट टू कम इन योर लाइफ, समथिंग दैट यू बिलीव इज गोइंग टू चैलेंज यू, राइट? सो ट्राई एंड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी कुछ हट के करना जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। कभी कभी कुछ हट के जो हासिल करना होता है तो उसके लिए बहुत हट के काम करना होता है, बहुत हट के चलना होता है। राइट सो उसमें हर तरह के मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। लाइक देयर आर नेम्स इन द हिस्ट्री ऑफ बुक्स, राइट? ऐसे लोगों के नाम कि जिन्होंने जिंदगी में जब कुछ शुरू किया तो वो ऐसा था कि जो पहले किसी ने सोचा हुआ नहीं था, वो ऐसा था जो कि शायद उनकी assumptions पे बेस्ड था, वो ऐसा था कि जो शायद सिर्फ उनकी समझ में आता था, बाकी लोग ना समझ थे, नहीं समझ सकते थे, उनके लिए तरह तरह की मुश्किलात मुसीबतें रास्तों में डाली गईं, लेकिन they kept on moving।
सो हमेशा रेडी रहें, कुछ भी नेगेटिव हो सकते हैं जिंदगी में, कुछ भी मुश्किल आपके सामने आ सकती हैं, सो तैयार रहें, राइट? एनीवे, अगेन समथिंग वेरी भारी भरकम काइंड ऑफ थिंग, मैं वन डिश पार्टी के हवाले से बात कर रहा हूं। हम एक ख्याली तौर पे गिशाइये का अहतमाम कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं, और उसमें आप लोगों का पार्टिसिपेशन ये हो सकते हैं कि यू ऑल, यू नो, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सपोज टू कम अप विद अ सिंगल डिश, और वो सिंगल डिश ये होनी चाहिए कि जो शायद आपके घर की स्पेशलिटी है या आपको लगता है कि आपके घर में इस वक्त में ये चीज बनी हुई है, तो वो जो हम डिनर दस्तरखान के ऊपर सजाएंगे उसमें आपकी तरफ से क्या डिश आएगी, ये आपने कॉल्स के जरिए से, मैसेजेस या कमेंट्स के जरिए से बताना है, राइट? 051-9263-184 ये हमारे साथ रابطے का नंबर है, 4471 टेक्सटिंग आईडी है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं और वहां पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM, ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज हो गया। रिमशा फ्रॉम रावलपिंडी, भाई मैं पानी ला रही हूं, वाह सो जेनरस ऑफ यू। मोमिना सलाम हानी, आज का टॉपिक तो लाजवाब है, आज हमारे घर तो दाल चावल बने हैं, ओए सही, अच्छा, पर आपके दस्तरखान पे मैं आज बड़ी स्पाइसी भिंडियां, यानी कि भिंडी और आलू, आलू भले या भड़े, अच्छा ये इसका एग्जैक्ट क्या, रिजवान बशीर तो बचपन में एक, छोड़ें ये फिर बहुत पर्सनल हो जाता है, नहीं बताता, लेकिन ये दही भले होते हैं या भड़े होते हैं, दिस इज दही भले, लाइक आई हैव सीन इट रिटन दिस वे, लेकिन बहुत दफा मैंने लोगों को भड़े कहते हुए भी सुना है, नाउ दिस इज भड़े भड़े व्हाटएवर। एनीवे, सो अच्छा जी, और दूसरा आपने कहा बिस्मिल्लाह करें, नहीं अभी अभी हम बिस्मिल्लाह नहीं कर सकते, जब सारे लोग आ जाएंगे, दस्तरखान मुकम्मल तौर पे सज जाएगा, तो उसके बाद हम एक साथ खाना खाएंगे, बड़े बड़े नवाले बना के खाएंगे, ठीक है? इट्स अ वन डिश पार्टी जिसमें आप सब लोग एक एक डिश के साथ हाजिर हो रहे हैं, और आप अपने साथ खाने की जो चीज लेके आएंगे तो वो हम इस दस्तरखान के ऊपर सजा के फिर एक साथ खाएंगे, राइट? दूसरा, मैंने एक और चीज भी डाल दी है भाई दस्तरखान पे, मैंने इजाफा कर दिया है ठंडे मसाले का, राइट? आपने गरम मसाले का नाम तो सुना होगा, लेकिन आपने ठंडे मसाले का कभी नहीं सुना होगा, राइट? मैंने गरम मसाले को फ्रिज में तकरीबन 3 साल तक रखा, वो गरम ही रहा, तो फिर उसके ऊपर जो एक कागज लगा हुआ था ना, ये स्टिकर लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था गरम मसाला, तो वो मैंने मार्कर से उसको चेंज करके ठंडा मसाला कर दिया, तो अब मैंने ठंडा मसाला भी रखा हुआ है, तो जितने सारे लोग कुछ ऐसी चीजों के साथ आ रहे हैं जिसके ऊपर काली मिर्च डाल के खाना अच्छा लगता है, तो गरम मसाले को काली मिर्च के साथ कर दिया। अच्छा जी, गरम मसाला तो मैंने अलग से रखा हुआ है, लेकिन मैंने काली मिर्च भी रखी हुई है, राइट? सो वैसे आज तक, ट्रस्ट मी ऑन दैट, मुझे मालूम नहीं है कि गरम मसाला होता क्या है, यू नो, वैसे मैं सालन बहुत अच्छा बना लेता हूँ घर में, अक्सर जब मुझे वक्त मिलता है और कुछ डिफरेंट करने का मूड हो तो मैं सालन बना लेता हूँ, और कोई भी सालन खाना बनाने के लिए जो मेरा फॉर्मूला है, जो मैं तजवीज करता हूँ हर बंदे को, तो वो बहुत सिंपल है। आप पतीली, देगची, हांडी, जो भी चीज है जिसके अंदर आप खाना बना रहे हैं, तो उसके अंदर सारी चीजें एक साथ डाल दें, सारी चीजें, प्याज भी डाल दें, अदरक भी डाल दें, लहसुन भी डाल दें, और क्या डाल, सब्जियां वगैरह, दालें, सब कुछ एक साथ डाल दें, नमक हसबे जायका, ये ना, सो सारा कुछ डाल के उसको ढक दें। अब उसको तकरीबन 30 मिनट तक हल्की आंच के ऊपर रखें, लेकिन कन्फ्यूजन तब होती है जब आपने 30 मिनट तक बर्तन को रख तो दिया चूल्हे पे, लेकिन आप चूल्हा ऑन करना भूल गए थे, हैं? चलें अब दोबारा से आएं, चूल्हा ऑन करें और हल्की आंच के ऊपर 30 मिनट तक उसको पकाएं, सही ढक के आपने रखा हुआ है तो 30 मिनट बाद यकीनन कुछ ना कुछ बना होगा। और जब आप इस तरह के अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना लाइफ में, तो कभी कभी अच्छा लगता है।
All right, now facebook.com/ITPFM ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है. मेरे सामने जाबिर, इनका नाम शायद जाबिर ही है, हमारे यहाँ रेडियो से प्रोग्राम करते हैं ITPFM से. तो मुझे याद आ रहे हैं कई, पता नहीं कितने टाइम पहले, हमारी शायद एनिवर्सरी थी और समथिंग, तो उस पर इनके साथ शो करने का मौका मिला था, मजा आया था. राइट, सो उनकी तस्वीर आई तो बहुत कुछ पुराना याद आ गया. आई डोंट नो, 2-3 साल 4 साल पुरानी बात होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. facebook.com/ITPFM हम आपके सफर में आपके साथ ही हैं. रफ्तार को बहुत मुनासिब रखिएगा, और अगर आपको महसूस हो कि आपकी गाड़ियों में मुरम्मत की या काम की जरूरत है, कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस चाहिए, तो फौरन से अपनी गाड़ियों को ठीक करा दिया करें. क्योंकि इसके ऊपर हमारा कहना होता है कि अगर आप मशीनों का, इन मशीनों का ख्याल रखते हैं, तो जवाब में ये मशीनें भी आपका ख्याल रखती हैं. अच्छा, जब हम ये अमेरिकन सिस्टम यानी कि चिपमैन बेस्ड सिस्टम पे कहीं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ खाने का इरादा रखते हैं, तो हमारे दोस्तों में यकीनन एक ऐसा दोस्त होता है जो हमेशा यही कहता है कि यार मैं पैसे बाद में दे दूंगा, लेकिन वो बाद का टाइम आज तक उसका आया नहीं है. राइट, सो ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत वो भी होते हैं. ऑलराइट, सो वी हैव योर कमेंट्स, facebook.com/ITPFM. इफत बतूल हैं, सलाम हानी भाई, होप योर फाइन, शो इज अमेजिंग. आज के दस्तरखान पे हाजिर है चिकन कढ़ाई विद सलाद, होप सो अच्छा लगेगा, और प्लीज थोड़ा सा बचा कर वापस भी कर दीजिएगा. क्या सही है, आखिर हमारी डिश पे हमारा भी हक है. शो की एक्साइटमेंट में सारी क्या लिखा है, अच्छा शो के एक्साइटमेंट में आप पूरा सालन उठा के लें, पूरा चिकन, या आपने क्या बताया, चिकन कढ़ाई क्या कह रही थी, हाँ चिकन कढ़ाई, सो यू नो वो पूरी कढ़ाई आप उठा के ले आई हैं. इफत भाई, ये दस्तरखान का उसूल है, इसके ऊपर एक दफा जो चीज आ गई तो वो अनईटन वापस नहीं जाएगी. राइट, और जो भी हैं आप, जैनब जैनी सलाम मुझे कह रही हैं, भाई कैसे हैं, शो आज अच्छा है, सलाम टू ऑल फ्रेंड्स. सरदार जवाद हैं, आपने 1-2-3-4 नुक्ते भिजवाए हैं, आई डोंट नो के व्हाट इज मेंट बाय दीज डॉट्स. जीशान शानी हमारे साथ हैं, सलाम पाकिस्तान. सरदार जवाद हैं, वो कह रहे हैं वेलकम. ऑलराइट, थैंक यू सो मच कि आप सुनने वाले हमारे साथ ही हैं. एक गाना मैं आप लोगों के लिए चला रहा हूं और फिर आगे देखते हैं क्या होता है. राइट, 051-9263-184 ये हमारे साथ राब्ते का नंबर है. 4471 टेक्सटिंग आईडी है. अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे. अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM वहां पे आपको मेरे प्रोग्राम के मुतालिक जो पोस्ट नजर आ जाए उसके रिप्लाई में आई एक्सपेक्ट योर कमेंट्स कमिंग इन. कमिंग अप नेक्स्ट इज दिस सॉन्ग, दिस इज आशिका बाय हारून. हारून के साथ मेरी पहली दफा मुलाकात हुई थी कराची कंपनी में. तो कराची कंपनी में बहुत गर्मी वाला समय चल रहा था, बहुत तेज किस्म की धूप, रात कोई 3 बजे का वक्त था, तेज धूप पड़ रही थी, और उस मतलब यू नो उस शदीद गर्मी में मैंने जो स्वेटर पहना हुआ था तो स्वेटर के सामने वाले 2 बटन भी टूटे हुए थे. राइट, तो मैं अब एक कुर्सी के ऊपर बैठ के उस बेंच के ऊपर सारी जो चूसी हुई गंडेरिया थी वो मैं गिराता जा रहा था. तो एक बाग के अंदर मैं बैठे हुआ था, सामने उस रेगिस्तान में से दूसरी तरफ से एक चलता हुआ बढ़ता हुआ ऊंट मुझे नजर आ रहा था. तो वो ऊंट जैसे ही मेरे करीब पहुंचा तो हारून अपने उस घोड़े से उतरे और मुझे कहा कि गंडेरिया हैं. मैंने कहा खत्म हो गई हैं, सिर्फ 2 गंडेरिया हैं. तो हारून ने फिर कहा कि यार ये गंडेरिया मैं चूस सकता हूँ. मैंने कहा ये चूसी हुई है, अगर ये भी ट्राई करनी है. तो
तो वहां से हारून ने यू नो मुझे पसंद कर लिया और कहा कि यार बस आज के बाद तू जिगर है अपना जानी है। हारून मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इधर पेशावर मोड़ में एक मिस्त्री खाना चलाता है, तो अक्सर मैं खुद भी कभी कभी जब पढ़ाई नहीं करता या मुझे घर से निकाल दिया जाता है तो उसी मिस्त्री खाने में मैं जाके बैठ जाता हूँ। बल्कि अब्बू बचपन में मुझे अक्सर उसी मिस्त्री खाने में बिठा के आ जाया करते थे कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे इसी मिस्त्री खाने में तुम्हारे हाथ में औजार दे के इसी तरह से गाड़ियाँ तुमसे मरम्मत करवाएंगे। तो मैं हारून उस दोस्त की बात कर रहा था, ये वो वाला हारून है, मतलब ये वाला नहीं है जो गाना गा रहा है। क्या मैं करूं? Alright, I'll let this song play और फिर वापस आएंगे, देखते हैं क्या चलता है। 0519263184 ये हमारे साथ रابطे का नंबर, 4471 टेक्सटिंग आईडी है। अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM। अच्छा जी, पाकिस्तान की इनिंग चल रही है और ये क्या लिखा है भाई, मेरी दूर की जो नज़र है तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इसलिए मुझे सही तरह से सुनाई नहीं देता। अच्छा जी, ये मैंने चश्मा ठीक किया। 67 रन हैं और 2 खिलाड़ी आउट हैं। वाह, सही है, अच्छा चल रहा है। अगर आप लोग भी क्रिकेट मैच देख रहे हैं, देखते रहें। मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता, तभी देखता हूँ जो सामने मेरे टेलीविजन स्क्रीन ऑन हो, जिस तरह से अभी ऑन है। लेकिन आई होप कि थिंग्स आर सो वेरी मच फाइन अराउंड। ऑलराइट, सो टाइम चेक, 9:00 टाइम चेक। प्रोग्राम का नाम फन हाईवे एंड दिस इज हनी ब्रॉडकास्टिंग लाइव। Alright, so many memories related to cricket came into my mind. You know, when we used to be kids,
तो हमारे मोहल्ले में यकीनन एक ऐसी आंटी जी या एक ऐसे अंकल जी का घर होता था जिनके घर जब भी बॉल चली जाती तो वापस नहीं करते थे। उनके घर में बॉल जाने पे हमेशा बंदा आउट डिक्लेयर हो जाता था, राइट। ये अच्छा है जो क्रिकेट के बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं यहाँ पे इस तरह का कोई मसला नहीं होता। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक दफा छक्का मारा था क्रिकेट में जब हम बचपन में खेल रहे थे, और वो मैंने लेफ्ट साइड को क्या इधर कहीं लिखा हुआ है, एक मिनट यार, ये सामने कागज पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे बंदा खड़ा है इसको पता नहीं क्या कहता है, मैंने लेफ्ट साइड पे वही एक छक्का मारा, और वो छक्का हो किस तरह से गया कि वो एक फुटपाथ और फुटपाथ के उस तरफ सड़क, तो सड़क होने की वजह से उस साइड की जो बाउंड्री थी उसको बहुत ज्यादा छोटा कर दिया गया था, तो मैंने वैसे ही तुक्का लगाया जी और छक्का लग गया। तुक्का लगाओ मुसलमानों। और खास तौर पे जो बैटिंग की बारी होती थी तो वो या हम पुगन पुगाई से या बैट को तिरछा रख के हम लोग लाइनें खींचते थे और उसकी दूसरी तरफ जो है तो नंबर लिख दिए जाते थे डिजिटली 1, 2, 3, 4 न्यूमेरिकली इनफैक्ट। सो फिर वो जो भी जिस लाइन के ऊपर उंगली रखता था तो वो बैट को उठा लिया जाता था और उसके उसकी दूसरी तरफ जो नंबर होता था तो वही उसकी बारी होती थी। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ख़राब और बदकिस्मत बंदा वही होता था जो अक्सर मैं खुद होता था, जिसकी बारी बिल्कुल आखिर में होती थी। तो उसकी बारी आखिर में होने का नुकसान ये होता था कि बिल्कुल एंड में जब उसकी बारी आने लगती थी तो या तो शाम हो चुकी होती थी या जिस लड़के की बॉल होती थी या बल्ला होता था तो उसको अम्मी बुला लेती थी, काशिफ अबू आ गए तो हमारी बैटिंग तो हमेशा चली जाती थी। और खास तौर पे बड़े लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने का नुकसान ही होता था कि जो सबसे छोटा होता था ना उस बेचारे से हमेशा फील्डिंग करवाई जाती थी। मतलब हम लोग तो तरस जाते थे कि हमें बैटिंग कब मिलेगी, फिर कहते थे चलो यार मतलब बॉलिंग तो करने दो, तो नहीं बॉलिंग भी नहीं करने देते थे, सिर्फ फील्डिंग की हमने। तो ऐसा कुछ मुझे याद आया, स्क्रीन पे चल रहा था। सो एनीवे, सो लाइव कॉल 0519263184 ये हमारे साथ रابطے का नंबर है। ऑलराइट, डिस्पाइट दिस फैक्ट के आई डू नॉट वॉच क्रिकेट दैट ऑफन, यू नो आई कैन से विद अ कॉन्फिडेंस के पाकिस्तानी कौम यू नो क्रेजी हैं अबाउट क्रिकेट। आई स्टिल रिमेंबर, मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि उनकी नानी जी जो अब हयात नहीं है, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, मेरी अपनी नानी जी भी अब हयात नहीं है, अल्लाह उनकी भी मगफिरत करे, तो उनकी नानी एक दफ़ा टीवी स्क्रीन के सामने बैठी हुई हैं और झलकियाँ, क्रिकेट की एक पुराने मैच की झलकियाँ चल रही हैं, तो वो मैच पाकिस्तानी टीम जीत गई थी लेकिन नानी जी को मालूम नहीं था, तो उसके बावजूद दुआ कर रही थी या अल्लाह हमारी टीम को पास कर दे, यहां तक कि जायनमाज के ऊपर बैठ के दुआ मांगने लगी। सो दिस इज दैट लेवल ऑफ क्रेज दैट वी पीपल हैव अबाउट क्रिकेट। तो हमारे दौर में क्रिकेट में यू नो लालच की बुनियाद पे इनिंग्स की इनफैक्ट बारियों की तकसीम की जाती थी। जो बंदा वो टेप लेके आता था जिसको चढ़ाया जाता था गेंद के ऊपर, वाइट कलर की यूजुअली होती थी या ब्लैक कलर की, तो उसे खासी अहमियत दी जाती थी। जिसका बैट होता था उसको भी बहुत अहम समझा जाता था, और ऑफकोर्स जिसकी बॉल होती थी तो अक्सर वही जो है तो उसको यू नो अहमियत मिलती थी, और उस बंदे को आउट होने पे भी ये नहीं कहा जाता था कि भाई साहब आप आउट हो गए, उसको 2, 3, 4, 5 चांसेस मिलते थे। तो हम कुछ हल्की फुल्की बात कर रहे हैं
उस इशाइया के मुतालिक, उस डिनर, उस वन डिश पार्टी के मुतालिक जो कि जिसका हमने यहाँ पे अहतमाम किया। अभी तक लोगों की आमद बहुत कम है, सिर्फ कुछ लोग ही आए हैं जो जिन्होंने वन वन यानी कि सिंगल सिंगल डिश ऑफर की हैं दस्तरखान के ऊपर रखने के लिए। तो अभी तक इतने लोग नहीं है, दस्तरखान बिल्कुल खाली है। तो जितना कुछ है, ये चिकन मुझे नज़र आ रहा है, दो आई एम अ वेजिटेरियन, अगर कोई सब्जी ले आए ना जिस तरह वो भिंडी वगैरह आई है वो दूर पड़ी है उसको ट्राई कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। ऑलराइट, सो देखते हैं। ऑलराइट, वी हैव फ्यू मैसेजेस, वी हैव फ्यू मैसेजेस। सलाम भाई, कैसे हैं आप? का प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं, दुआ है कि अल्लाह आपको, आपका हामी और नासिर रहें, अल्लाह हाफिज। और मोहतरम जनाब गुलाम हुसैन और एम अजीम, मोहम्मद अजीम मरी से हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। और वी हैव रोमान एंड आरिफ, आप लोग भी मरी से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 4471 टेक्सटिंग आई डी है। अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM, ठीक है। सो वी हैव योर मैसेजेस, एनी फ्रॉम सरगोदा, सलाम भाई, खैरियत दरियाफ्त करती हैं, शो की तारीफ कर रही हैं, सलाम दुआ, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। मोमिना, आई वॉज डन विद योर मैसेज। अच्छा, मेरा अक्सर ये कहना होता है कि जो मौका होता है, जो जगह होती है, जो मंज़र होता है, यू नो, उसके ऊपर यकीनन डिपेंड कर रहा होता है कि कोई चीज़ आपको कितनी अच्छी या बुरी लग सकती है। लाइक नाउ व्हेन आई टेक माय एग्जांपल, मैं अकेले अगर कुछ खाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब थोड़ा अजीब अजीब सा लगता है और थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल सा फील करता हूँ, प्लस आई लूज दैट इंटरेस्ट दैट आई हैड इन दैट फूड। सो जब इस तरह की गैदरिंग होती है जिसमें बहुत सारे दोस्त इकट्ठे बैठ के कुछ खा रहे होते हैं, तो उस मंजर में यू नो, खो जाने की वजह से, उसमें शामिल हो जाने की वजह से, ऐसे लोग जो बहुत कम खाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि वो मंजर ही कुछ ऐसा होता है। दस्तरखान के ऊपर डिशेस की तादाद इंतहाई कम, पाकिस्तानी टीम इनिंग खेल रही है और उन्होंने अभी तक 86 रन स्कोर किए हैं दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। और ये आगे P2 लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, 19.3, ये क्या, अच्छा ये ओवर्स हैं, राइट, इतने ओवर्स हो गए हैं। सो बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी कॉमेंट्री के साथ दिस इज हानी, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में पहली दफ़ा शायद इस तरह की कॉमेंट्री आपको सुनने को मिल रही है। तो हम आपके साथ ही हैं, मुस्कुराते रहें, खैरियत से रहें और सुनते रहें। 0519263184 ये हमारे साथ रابطے का नंबर। अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM, मतलब जिंदगी में इतना कम मशहूर मैं कभी साबित नहीं हुआ जितना मैं आज साबित हो रहा हूं कि मुझे कॉल्स ही नहीं मिल रही। एंड देर इज नो बैड इन कन्फेसिंग, नॉट कन्फेसिंग, इन फैक्ट अंडरटेकिंग समथिंग दैट इज ट्रू, राइट, देर इज नो लॉजिक इन हाइडिंग इट। देखते हैं, वापस आते हैं। 0519263184 ये हमारे साथ रابطے का नंबर है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP,
एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM। कमिंग अप नेक्स्ट इज दिस सॉन्ग, ऑलराइट, दिस इज ब्रोकन एंजल एंड रीमिक्स बाय एरिश। थैंक यू सो मच कि आप सुनने वाले हमारे साथ हैं। दस्तरखान के ऊपर सालनों की तादाद बहुत कम है और मुत्तफिका तौर पे मैंने खुद ये फैसला किया कि भाई जो कुछ अभी तक मौसूल हुआ है, इस दस्तरखान की जीनत बना है, मैं उस सब कुछ को खाने लगा हूं। राइट, बस इतने सालन काफी हैं जी, मेरा काम हो गया। आप लोग नहीं आए तो कोई बात नहीं है। 4471 टेक्स्टिंग आईडी है अपने मोबाइल फोन के। राइट, मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM। बहुत सारे चेहरे ओढ़ के हमें चलना होता है जिंदगी में, क्योंकि मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ कि हमारी जिंदगी के बहुत सारे रुख होते हैं। कहीं पे हमारा चेहरा कुछ और होता है और कहीं पे हमारी आवाज़ कुछ और होती है, कहीं पे हमारा अंदाज कुछ और होता है, कहीं पे दोबारा से हमारा चेहरा कुछ और होता है। सो शायद कहने वाले से मुनाफ़त कहें, लेकिन कभी कभी शायद ये ज़रूरत होती है कि आपको बहुत सारे चेहरे अपने साथ लेके चलने होते हैं, ताकि जहाँ पे आपको जिस चेहरे की जरूरत पड़ जाए, जहाँ पे आपको
जिस चेहरे के साथ दिखना मुनासिब लगे तो आप दिखते रहें, मतलब दिस इज माय से अबाउट इट। सो वी हैव आरफा फ्रॉम इस्लामाबाद। हाय शो, अच्छा है आपका यार। सही है आरफा, मुझे अच्छा लगा। ये आगे नाम लिखा है आसिफी, ये क्या लिखे भाई, कौन सा नाम है? आसिफी खान इस्लामाबाद से। कहीं इफ देयर इज नॉट अ स्पेलिंग मिस्टेक, सो दिस इज आसिफी, यही आपने नाम लिखा है। बाकी ये नो, अगर गलती है तो आपके एंड से हुई होगी, बट यू नो द वे दिस वर्ड यू नो अपीयर्स, सो दैट इज आसिफी खान इस्लामाबाद से। वेरी नाइस शो, हुमैरा रावल पिंडी से। और भाई, दिल करता है आपको बहुत सारी दुआ दी जाए, अल्लाह पाक आपको अपने घर की ज़ियारत करवा दें। सही है, मुझे अच्छा लगा, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आमीन। ये नाम लिखा है सोनी, सोनी और सोनी हमारे साथ हैं। ये आपने क्या लिखा है, फ्रॉम CHANAM चनम, चनम आपने लिखा है। अगर ये कोई जगह के नाम है तो मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन नाम सुन के ही अच्छा फील हो रहा है कि अच्छी जगह होगी। कैसे हैं भाई, शो इज वेरी ऑसम एंड यू आर आल्सो ऑसम। सही है, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। तंजीला कहूटा से हैं, कैसे हैं? मैच चल रहा है कौमी टीम के लिए, सॉन्ग प्ले कर दें। एंड ऑलराइट, एंड आई लाइक योर शो, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। बेस्ट विशेस फॉर टीम पाकिस्तान, आई होप दे डू अ ग्रेट जॉब टुनाइट। वहां पे दिन चल रहा है वैसे। एनीवे, सो facebook.com/ITPFM ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है। कुछ दस्तरखान की हम बात कर रहे थे कि जिसमें हम अहतमाम करना चाह रहे थे एक डिनर का, वन डिश इशाइये का, जिसमें ऑल ऑफ यू वर सपोज टू कम अप विद अ सिंगुलर डिश, लेकिन मोस्ट ऑफ यू फेल्ड टू डू सो, राइट? सो अब दस्तरखान पे जितना कुछ है तो बस इतना ही है। मैंने कहा ना, कभी कभी कुछ लोगों की वजह से, कुछ शायद उसमें मंजर का भी अमल दखल होता है, कुछ लोगों का भी होता है, कुछ शायद कभी कभी हमारी यू नो हमारे मूड का भी होता है, कि कभी कभी बहुत आम सी चीजें हमें बहुत खास लगने लगती हैं। यू नो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, कि कुछ चीजें जो कि नॉर्मली आप खाने में अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा पसंद नहीं करते, मतलब बिल्कुल आपको लगता है कि मामूल के मुताबिक है, लेकिन कभी कभी आप मजबूर हो जाते हैं ये कहने पे कि आज तुम्हारे हाथ से खाया हुआ ये खाना मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे लजीज तरीन खाना था। कभी कभी हम कहते हैं कि यार इन दोस्तों की वजह से शायद ये खाना मुझे हमेशा याद रहेगा, शायद हमें कभी कभी लगता है कि इस जगह की वजह से ये खाना हमारे लिए एक यादगार खाना बन जाएगा। सो यू नो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटिव, और देर आर सो मेनी फैक्टर्स टू डिफाइन यू नो द गुड एंड बैड, एंड स्पेशली द वे यू गैस डिफाइन समथिंग एज यू नो गुड इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ अपेयरेंस, इन टर्म्स ऑफ सो मेनी अदर वे। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिफाइन कर रहे होते हैं कि कोई चीज आपको क्यों, कैसे, कब, किस तरह से अच्छी लगे। सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व, राइट? सो उनमें अक्सर जो एक बड़ा फैक्टर होता है वो लोग होते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जिनके साथ, जिनकी सोहबत में, जिनकी महफिल में हम बैठे होते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें यू नो मजीद मैग्नीफाई हो जाती हैं, यू नो मजीद बेहतर हो जाती हैं, मजीद एक्साइटिंग हो जाती हैं। सो आपके लिए एक और गाना चलाते हैं, 0519263184 ये डायलिंग नंबर है, कोई कॉल करना चाहे यू गाइस कैन कम इन। 4471 टेक्सटिंग आईडी है अपने मोबाइल फोन के। राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM। कमिंग अप नेक्स्ट इज दिस सॉन्ग, आई गेस आई प्ले दिस सॉन्ग इन
इन द वेरी लास्ट शो ऑफ माइन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो इसी को चलाएं या कुछ और लेके आए, इसी को चलाएं या कुछ और लेके आए. ऑलराइट, थोड़ा सा मेलो चलाते हैं, समथिंग स्लो, समथिंग कूल. ऑलराइट, इसको चलाते हैं. दिस इज माई शहजाद मुगल और इसको सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा. आई मीन दिस सॉन्ग इज वेरी आइकॉनिक, दिस सॉन्ग इज वेरी यू नो मीनिंगफुल. स्पेशली आपको एक मैसेज मिल रहा होता है. एक ऐसा मैसेज जो कि आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं या शायद हर जगह पे हेल्प आउट जरूर करता है. इस अगर आप गाने को सुन रहे हैं और खासतौर पे आप इसका वीडियो देख रहे हैं, खैर इन दोनों का आपस में कोई मैच नहीं है, लेकिन स्टिल आई फाउंड दिस वीडियो, आई मीन वीडियो टू दिस सॉन्ग सो वेरी मच एक्साइटिंग. इनफैक्ट नॉट एक्साइटिंग बट समथिंग वेरी अपीलिंग, समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग वेरी यूनिक. सो गिव इट अ वॉच, गिव इट अ लिसन. आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा. शहजाद मुगल की आवाज में बस यूं ही इज द टाइटल ऑफ दिस सॉन्ग, जिसमें जिक्र है कुछ चलते रहने का, कुछ बढ़ते रहने का. हालात जैसे भी रहें, रिवाज जैसे भी रहें, मामलात जो भी हों, बस आपने जिंदगी में आगे बढ़ते रहना होता है. हाँ, मैं मानता हूँ शायद आज का दिन आपके हक में नहीं है, शायद आपके लिए बेहतर नहीं है, लेकिन वो कल आपने कहाँ देखा, वो कल जो आपका होगा, जो आपके लिए होगा, दैट डे दैट टुमारो इज येट टू कम. जस्ट वेट फॉर इट, कीप वेटिंग फॉर इट एंड देन सी कि वो वक्त आपके बिल्कुल सामने होगा कि जब सब कुछ आपकी मर्जी का होगा, कि जब फूल आपकी तरह के होंगे, आपकी मर्जी के होंगे, कि जब महक वही होगी जो कि आप महसूस करना चाहते हैं, जब लोग वही होंगे जो कि आप अपने साथ अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं, मंजर वही होंगे जिनसे आप लुत्फ उठाना चाहते हैं. सो जस्ट वेट फॉर दैट डे एंड दैट डे इज कमिंग. 935 टाइम चेक, प्रोग्राम का नाम फन हाईवे, दिस इज हनी ब्रॉडकास्टिंग लाइव.
اکثر میرا مشاہدہ رہا ہے کہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے یا کوئی فلم دیکھتے ہوئے ایک بچے کو چلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے یا اس کو دوڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور اسی بڑھتے ہوئے قدموں کے ساتھ اسی منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح اچانک سے وہ چھوٹا سا بچہ بہت بڑا ہو گیا. مجھے اس بات کی لاجک سمجھ نہیں آتی تھی کہ یوزولی اس منظر کو اس طرح سے کیوں ترتیب دیا جاتا تھا. پھر بعد میں احساس ہوا کہ ہاں شاید ایسا تو سچ میں ہوتا ہے. بالکل بچپن میں چھوٹے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ بہت ایک کمزور سی معصوم سی چال کے ساتھ بہت مشکل سے چلتے ہوئے بہت ڈر ڈر کے بہت سہمی ہوئی حالت میں چلتے ہوئے ہم اتنے مضبوط ہو گئے, ہمارے قدم اتنے مضبوط ہو گئے کہ ہمیں لگا کہ ہاں اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. لیکن پھر احساس ہوا کہ یار اتنی جلدی بڑے کیوں ہو گئے. احساس ہوا کہ ابھی تو یہ سب کچھ کل کا ہی ہے, یہ ہر منظر تو کل سے ہی تعلق رکھتا ہے کہ جب ہم ایسے تھے, کہ جب سب ویسے تھے, کہ جب سب زندگی میں بہت معصوم تھا, جب سب شاید ہمارے مطابق بہت ترتیب میں تھا. لیکن پھر احساس ہوتا ہے کہ اسی طرح سے چلتے پھرتے دوڑتے ہم جوان ہو گئے. احساس ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کہ جن تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا اب شاید ہم ان سے بہت بڑے ہو گئے ہیں, بہت اونچے ہو گئے ہیں. لیکن اب ان چیزوں کی طرف ہمیں جھکنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ اب ہم بڑے ہیں. اور بڑا ہونا یقین کی جگہ زندگی میں ہمیں کبھی کبھی بہت تکلیف دیتا ہے کیونکہ یہ ہماری زندگی میں اتنی ساری لمیٹیشنز ڈال دیتا ہے کہ بہت کچھ ایسا جو کہ ہم دل سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا شاید ہم کر رہے ہوتے تھے اب نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہم بڑے ہیں. سو بہت سارے ایسے جملے, بہت سی ایسی تعریف, بہت سے ایسے مفہوم جو مختلف الفاظ کے متعلق ہیں, مختلف ادوار سے متعلق ہیں, عمر کے حصوں سے متعلق ہیں, وہ ہماری زندگی میں لمیٹیشنز ڈال دیتے ہیں. اب جس طرح سے اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ مرد روتا نہیں ہے یا مرد کو درد نہیں ہوتا, غلط لگتا ہے, بہت غلط لگتا ہے. میرے نزدیک شاید آنسو بہا لینا از سچ اے بلیسنگ. اگر آپ کو یہ نعمت میسر ہیں, اگر آپ ضرورت پڑنے پہ رو سکتے ہیں, اگر آپ آنسو بہا سکتے ہیں, تو میرے حساب سے اٹس اے بلیسنگ اینڈ یو شوڈ ٹیک اٹ ایز اے بلیسنگ. لیکن ہاں جو کہا جاتا ہے نا مردوں کے بارے میں کہ انہیں درد نہیں ہوتا یا شاید وہ روتے نہیں ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے چاہیے, یہ کبھی کبھی ان کو زندگی میں میں نے کہا بہت مشکل میں ڈال دیتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے اپنے غم کو اپنے اندر قید رکھنا, بہت مشکل ہوتا ہے اسے آنسوؤں کی شکل میں بہنے دینا, یہ دل چاہتا ہے. لیکن ان آنسوؤں کو روک دینا دل نہیں چاہتا, لیکن روکنا پڑتا ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بھائی مرد روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. دنیا کبھی کبھی ہمیں بہت مشکل میں ڈال دیتی ہیں. شاید بہت ساری آزمائشوں کا نزول ہونے لگتا ہے, بہت ساری آزمائشوں کی آمد ہونے لگتی ہیں صرف لوگوں کے کہنے کی وجہ سے, لوگوں کے سمجھنے کی وجہ سے. کوئی دستور ہوگا, شاید کوئی روایت ہوگی کہ جس کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل ہو گئی ہے میری زندگی, لیکن ہم نے چلنا ہوتا ہے. تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ مرد روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے اور مردوں کو رونا نہیں چاہیے, تو چلیں مان لیتے ہیں. ورنہ بہت سارے لوگ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ رونا, کبھی کبھی رونا, کبھی کبھی آنسو بہا لینا اچھا لگتا ہے. یقین کیجئے گا اچھا لگتا ہے. آپ کے بہتے ہوئے آنسو, آپ کی وہ سسکیاں, وہ آہیں, جب یہ سب تھم جاتا ہے, جب یہ سب رک جاتا ہے, جب آپ کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, تو ایک وقت آتا ہے جسے ہم سکون کا وقت کہتے ہیں. احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اندر سے دھل گئے ہیں, سب بالکل صاف ہو گیا ہے. وہ تمام غم جو ہمارے اندر تھے, جو نہ جانے کب سے قید تھے, اب بہ چکے ہیں, ہم اندر سے دھل چکے ہیں. لیکن کہا نا دنیا کبھی کبھی آپ کو مشکل میں ڈال دیتی ہے.
अनीला सुन रही हैं, अनीला बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जिस मीडियम पे मुझे मैसेज कर रही हैं, वहाँ पे आपने अशकाल यानी कि तस्वीरों की शक्ल में मुझे इस दस्तरखान के लिए कुछ चीजें भिजवाई हैं, जिसमें कच्चा टमाटर, अच्छा सैलेड के लिए, सैलेड के लिए, समझ गया। और आगे ये कोई आपने एक क्या है, ये बाउल में कुछ है, मुझे पता नहीं है ये क्या है, अगले बाउल में क्या है वो भी नहीं पता, फिर अगले बाउल में मेरे ख्याल से सेवैयां हैं और वो चाइनीज स्टिक जो होती हैं उनकी मदद से उनको खाया जाता है, और उससे आगे क्या है मेरी करीब की नज़र, मैंने कहा ना कि कमज़ोर है तो मुझे सही तौर पे सुनाई नहीं देता कि ये क्या है। एनीवे वी हैव आयशा जंजुआ। आयशा बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुन रही हैं एंड यू आर सेइंग कि हनी डूइंग ग्रेट शो, जस्ट हर्ड, मुझे अच्छा लगा। यू केम इन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। नसीम एंड शाहीन फ्रॉम इस्लामाबाद। हनी अंकल, मतलब व्हाट डिड आई जस्ट सी, इज इट अंकल? ऑलराइट, ठीक है, कहें, कहते रहें, जो आपका दिल करता है कहते रहें। हाँ अंकल कहना तो ठीक है वैसे। नसीम एंड शाहीन इस्लामाबाद से। हनी अंकल फर्स्ट टाइम मैसेज गया, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। नसीम एंड शाहीन, मुझे अच्छा लगा। तो बस भाई ऐसा ही है और ऐसा ही चलता है जिंदगी में, ऐसा ही बढ़ता है सब कुछ। बज़ाहिर जिंदगी हमें बहुत सादा सी लगती है, शायद बहुत आसान सी लगती है, बहुत सिंपल सी, कि जिसको एक जुमले में बयान करना शायद हमें लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन अगर आप सही तौर पे जिंदगी को महसूस करें, महसूस करते हुए जिंदगी को जिए, तो आपको एहसास होगा कि भाई जिंदगी उतनी सिंपल नहीं है, या शायद जिंदगी उतनी फ्लैट नहीं है। जिंदगी बहुत दिलचस्प है, लेकिन जरूरत है कि हम दिलचस्पी तो लें, जरूरत है कि हम वो मंजर तो देखें, वो तमाम जायके अपनी जुबान से महसूस करें। वो बात मैं करता हूं कि मौसमों की शिद्दत को हम महसूस करें, बहते हुए पानियों को हम महसूस करें, चहचहाते हुए परिंदों को हम महसूस करें, तो जिंदगी फिर बेहतर हो जाती है। अब भाई जितना है, मैं बात करता हूँ कि जितना है बस वही है, तो जितना है बस एक्सेप्ट करें, जैसा है एक्सेप्ट करें, और अपने अपने मौजूदा हालात में जो लोग अपने लिए खुश रहने का सामान पैदा कर सकते हैं, सामान पैदा कर सकते हैं, मेरे नज़दीक वो लोग कभी जिंदगी में डिससेटिस्फाइड नहीं होते। अदरवाइज पीपल आर लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर सो कंप्लेनेंट अबाउट थिंग्स दैट दे डू नॉट हैव इन देयर लाइव्स, राइट? लेकिन वो कभी शुक्र अदा नहीं करते उन चीजों का कि जो उनकी जिंदगी में है। वो तमाम लोग, वो तमाम चीजें, वो तमाम मनाजिर जो उनके पास हैं, उनका कभी जिक्र नहीं करते, लेकिन हाँ जो मिसिंग है उनका हमेशा जिक्र करते हैं। सो इस तरह का रोना रोने से एंड में होता यही है कि हम इतने ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, इतने ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जो है फिर वो भी हमें नजर नहीं आता। तो कहा ना, जितना है बस वही है, जैसा है बस ऐसा ही है, एंड एक्सेप्ट इट, राइट? शामिल हो अपनी जिंदगी में, शामिल करें अपनी जिंदगी को खुद अपने आप में। दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। अदरवाइज लव, जिंदगी तो बहुत मुख्तसर है, लेकिन जिंदगी को समझने वाले, जिंदगी के मफहूम को समझने वाले, इसका मफहूम कैसे बयान करते हैं? यू नो देर आर थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशंस। सो मकसद यही है कि इट्स ऑल रिलेटिव। जिंदगी को देखना, ये एक्चुअली आकाश होता है कि आप जिंदगी को क्या समझ रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं। सो जिंदगी को समझना जो है, उस समझने को, उस जाविये को अगर हम ऐसा कर दें कि उससे हमें मदद मिले जिंदगी में वही चीजें देखने में जो कि हमें खुश रखती हैं, जो हमें खुश करती हैं, सो जिंदगी कदरे पुरसकून हो जाएगी। अदरवाइज ये इस भंवर, इस तूफान में, इस गोल गोल चलते हुए तूफान में या हवा में हम इसी तरह से घूमते रहेंगे और इसी तरह से घूमते रहेंगे, और हमें अपनी जिंदगी का ना सिर मिलेगा ना पैर मिलेगा।
राइट। सो कहा नाम जितना है बस यही है, जैसा है बस एक्सेप्ट करें, राइट। सो दैट्स इट। आज कुछ दस्तरखान सजाने की मैंने कोशिश की थी, लोगों की उस तरह से आमद नहीं हुई, लेकिन खैर दैट्स ऑल राइट, नो हार्ड फीलिंग्स। मेरे लिए कॉल्स, मैसेजेस, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत सेकेंडरी हैं। मेरे लिए जो चीज़ बहुत प्राइमरी है वो है वो एहसास जो मुझे उस वक्त में होता है जब मैं रेडियो पे आता हूँ, वो एहसास जब मुझे उस वक्त में होता है कि जब मैं अपने आप को, खुद अपनी जात को ब्रॉडकास्टिंग से, इस माइक्रोफोन से अलग करके वो बनता हूँ या वो बोलता हूँ, वो समझाता हूँ जो मुझे लगता है कि इस माइक्रोफोन के इस पार से नशर होना चाहिए, ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, तो मुझे वो एहसास अच्छा लगता है कि जिसमें मेरा कुछ जाती आपको नजर नहीं आता, कि जिसमें कुछ मेरा जाती आपको सुनाई नहीं देता, बल्कि वही होता है जो आपके लिए होता है, वही होता है जो पब्लिक होता है, वही होता है जो कि कम्युनिटी बेस्ड होता है, राइट। सो ये एहसास मुझे अच्छा लगता है और ये एहसास जब तक है तो मैं रेडियो करता रहूंगा। जिस दिन ये एहसास खत्म, उस दिन मेरा रेडियो खत्म। यही आज का प्रोग्राम था। प्रोग्राम में कहीं पे कोई कमी गलती कोताही हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत हुआ हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही सांसों ने वफा की, तो मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल यानी कि जुमेरात को इसी वक्त शाम के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हानि को इजाजत दीजिएगा, खुश रहें, दूसरों के खुशियों का बाइस बनते रहें। दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हम सा होगा। खुदे पामान, लव यू ऑल एंड शपम पखैर।